20 वर्ष पहले बिकने वाला 20 का पेट्रोल अब दोस्तों 90 हो गया है, 15 रुपए लीटर वाला डीजल अब 80 रुपए हो गया है, किंतु देश की जनता को आलू प्याज आज भी 10 रुपए प्रति किलो चाहिए। देश में महंगाई केवल आलू प्याज में ही पड़ती है। जिस देश में महंगाई मायने का पैरामीटर केवल आलू प्याज हो जाता है, उस देश का किसान कैसे समर्थ हो सकता है। 54 रुपए का 25 ग्राम फेयर एंड लवली क्रीम महंगी नहीं होती, केवल आलू प्याज गेहूँ चना क्यों महंगा होता है। और किसानों की ही जो फसल होती है उस पे अगर थोड़ी महंगाई बढ़ती है तो क्यों सरकारों को और लोगों को बुरा लगता है कि महंगाई बढ़ चुकी है, जबकि डीजल और बाकी कॉस्मेटिक सामान वगैरह महंगा होता रहता है, ऐसा क्यों है, आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों जय हिंद, स्वागत है एक बार फिर से आप ही के अपने ऑफिशियल चैनल के अंदर। अगर आप किसान हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको किसानों से संबंधित हर खबर सबसे पहले प्राप्त होती रहेगी। तो आज हम जानने वाले हैं कि प्याज के आने वाले दिनों के अंदर क्या भाव रहने वाले हैं और अभी क्या भाव चल रहे हैं और कितना आपके पास नए प्याज का क्या भाव है और पुराने प्याज का क्या भाव रह सकता है। तो दोस्तों देखते हैं, रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा आलू का मूल्य, महंगा होने इसके चलते कम हुई प्याज की मांग। आलू प्याज के दामों में एक बार फिर उछाल देखा गया। फुटकर बाजार में नया आलू 60 तो पुराना आलू 50 से 55 रुपये तक बिक चुका है और थोक मंडी की आलू 4700 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। कुल कुछ ही ऐसा हाल प्याज का भी है, 50 रुपये किलो से बढ़कर के 65 रुपये किलो तक पहुंच गया है। भाव में तेज़ी के चलते मंडी के प्याज की आवक भी कम हो गई है, इस आसार से प्याज की कीमतों के ऊपर पड़ रहा है। आलू प्याज ने रसोई का बिगाड़ा है जायका दोस्तों। तो जो नासिक में प्याज की बात करें तो 5200 से 5500 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। ऐसे में देखा जा रहा है कि नासिक के मुकाबले प्याज सस्ती बिक रही है, कम हो गई है प्याज की मांग। महंगा होने के चलते प्याज की मांग 50% तक कम हो गई है, आने वाले दिनों के अंदर प्याज के भाव तेज़ी बनी रहेगी। दूसरी तरफ सब्जियों की बात करें तो थोक व फुटकर बाजार में दोगुनी का फर्क देखा जा रहा है। परवल महिला मंडी में 45 से 50 रुपये फुटकर और 90 से 100 रुपये तक बिक रही है और फुटकर बाजार में साग छोड़ दें जो सब्जी 40 रुपए के नीचे नहीं है और हम लोग किसी भी सब्जी का प्रति किलो अधिकतम 10 रुपए मुनाफा भी रखते हैं। तो दोस्तों आने वाले दिनों के अंदर आपके प्याज की अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। प्याज की नई फसल है वो भी मार्केट में जल्द ही आ रही है, स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि राजस्थान एमपी का जो प्याज है वो आना स्टार्ट हो चुका है, जिसकी वजह से जो पुराना प्याज है वो लोग कम पसंद कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने निर्यात पर रोक लगा करके आयात भी किया, अफगानी प्याज मिस्र से प्याज मंगवाए, लेकिन उनकी जो डिमांड है हमारे देश में कम पसंद किए जाते हैं। भारत के प्याज हैं वो पूरी विश्व में अच्छे प्याज माने जाते हैं, अच्छे हालांकि होते भी हैं, हमारे किसान भाई मेहनत करके उनको जो पैदावार करते हैं वो तो उनकी मांग बनी रहती है। तो लेकिन सरकार ने जो निर्यात पे रोक लगा दी और आयात कर लिया, जिसकी वजह से हमारे किसान भाइयों को जो प्याज है उनकी कम रेट हालांकि देखने को मिली, लेकिन जो कोरोना ने भी एक तरफ हमारे किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा एक परेशानी में डाला था, जिसकी वजह से हमारे किसान भाइयों को कम भाव मिला था। तो जो भाव है वह अच्छे खासे आए थे सितंबर के माह में, लेकिन उसके बाद निर्यात पर रोक लगा कर आयात किया गया, जिससे कंट्रोल पाने के चक्कर के अंदर एक बार 100 तक प्याज भी पहुँच चुका था, जिसी को सरकार ने कंट्रोल किया। और अब आने वाले दिनों के अंदर प्याज आपके अच्छी खासी एवरेज आप देखा जाए तो 50 से 60 रुपए तक रह सकते हैं। हमारे जिन किसान भाइयों को अगर आगे भी प्याज बोना है तो बो सकते हैं, आने वाले दिनों के अंदर अच्छे खासे प्याज के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। और आने वाले जैसे कि इस साल सरकार ने जनवरी के अंदर जो प्याज में जो निर्यात रोक थी वो हटा दी थी, निर्यात कर खोल दिया था। अभी आने वाले दिनों की आशा करी जा रही है कि जल्द से जल्द सरकार निर्यात पर रोक है वो हटाएगी और हमारे किसान भाइयों को फ़ायदा मिलेगा, जो किसान भाई के प्याज है वो अच्छे दाम उनको मिल सके। बाकी आप अगर प्याज अच्छे दाम में बेचना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में हमारे कमेंट करके बता सकते हो कि आपके पास कितना प्याज रखा है और आप कितनी रेट में उसको बेचना चाहते हो, जिससे वहाँ पर लोग आपको डायरेक्ट ऑर्डर करेंगे और आपके अच्छे खासे दाम भी आपको मिल जाएगी, जब हमारे किसान भाई को फायदा भी हो जाएगा। तो ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट, बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।